हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैशटैग टॉप 5 अफोर्डेबल सीरीज की सेकंड वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हैशटैग टॉप 5 अफोर्डेबल फेस क्रीम एंड यू कैन से मॉइस्चराइजर्स। एंड जो फर्स्ट वाला वीडियो था इसका, अगर आपने वो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हो। सो उस वाली वीडियो में आप सभी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कमेंट में कि मैं सेकंड जो वीडियो बनाऊँ वो मॉइस्चराइजर की बनाऊँ, यानी कि फेस क्रीम की बनाऊँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 अफोर्डेबल फेस क्रीम। सो जो इस सीरीज की पहली वीडियो थी ना, उसमें बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि अब मैं दिखाऊं हैशटैग टॉप 5 अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ टॉप 5 अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर। एंड ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगती है तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियोज पाने के लिए। एंड अगर सीरीज अच्छी लगती है या आपके दिमाग में कोई और ऐसी ही सीरीज है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। सो या नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ये सीरीज नहीं समझ आ रही है तो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर इसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा इस सीरीज में क्या होने वाला है। अब कमेंट में मुझे ये बता दो कि जो इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं हैशटैग टॉप 5 अफोर्डेबल में आपको क्या दिखाऊं। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। सो जो फर्स्ट नंबर पे मैं मॉइस्चराइजर आपको दिखाने वाली हूँ वो है जो कि मैंने अपने चैनल जब से स्टार्ट करा था, मैं तब से उसको आपको दिखा रही हूँ यूज कर करके। आई होप अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हो तो आपको पता चल गया होगा। सो वो है ये जॉब्स का वाटर लीली मॉइस्चराइजिंग लोशन। नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसमें आपको अलग वेरियंट मिल जाएगा इसका ऑयली स्किन का। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा टेक्स्चर है, पंप की फॉर्म में है जो कि बहुत अच्छी बात है। पंप वाले मॉइस्चराइजर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक हाइजीन बना रहता है, बट बहुत ही कम ऐसे मॉइस्चराइजर हैं जिनमें आपको पंप मिलता है। सो एंड इसकी जो MRP है वो है 315 रुपीज़ ओनली। एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत लंबे टाइम तक ये आपका चल जाएगा। सो अगर आपको आपको कोई ऐसा मॉइस्चराइजर ट्राई करना है जो आपके ज़्यादा फेस को ऑयली ना बनाए एंड ग्रीसी सा ना बनाए, एंड मतलब एकदम ऐसा लगे लगाने के बाद लाइट सा फील हो, बिल्कुल ऐसा लगे कुछ लगाया नहीं है, गो फॉर इट, यू विल लव इट। एंड अगर आपके पास इतना टाइम नहीं रहता ना कि आपका टब खत्म हो गया छोटे वाला, देन आपको नया टब लेना है, तो इसको ले लो क्योंकि बहुत महीनों तक आपका चल जाएगा आराम से। एंड ये वाटर लिली का है, इसमें आपको अलग अलग वेरियंट मिल जाते हैं। लाइक अगर आपको वाटर लिली सूट नहीं करता आप एलोवेरा ले सकते हो, और बहुत सारे इसके वेरियंट है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉइस्चराइजर की। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर है मेरे पास ये निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम फेस बॉडी हैंड। इसको आप फेस पे भी लगा सकते हो, बॉडी पे भी लगा सकते हो, हैंड पे भी लगा सकते हो। लाइक ये 3-in-1 वाला है एंड इसका जो MRP है वो है 90 रुपीज। आपको इसका बड़ा वाला टब भी मिल जाएगा एंड निविया का एक सेपरेट बॉडी लोशन भी आता है अगर आपको वो बाय करना है। ये टब है 90 रुपीज का एंड ये भी आपका बहुत एक महीने तक आएगा, चल ही जाएगा उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही। एंड इस पर लिखा हुआ है ये नॉन ग्रीसी है, क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है एंड फॉर फ्रेश एंड सॉफ्ट स्किन है। एंड ये जो बात है ना बहुत सही है, लेकिन अगर आपके ऑयली स्किन है आई डोंट से कि आप इसको बाय करो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मतलब मेरी स्किन को ऐसे ग्लोई ग्लोई सा बना देता है। अगर आपको ऐसा पसंद है लाइक थोड़ा सा ग्लो सा आ जाता है जो मॉइस्चराइजर लगा के, लाइक है था ना ऑयली सा ग्लो थोड़ा सा, उस टाइप का मुझे लगता है। लेकिन अगर आप विंटर है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है विंटर्स में इसको यूज़ करना। समर्स में मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऑयली बना देता है फेस को। अगर आपकी ड्राई स्किन है आप इसको बाय कर सकते हो, एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है आपको पसंद आता है ऐसे मॉइस्चराइजर तो भी आप इसको बाय कर सकते हो। बट अगर आप मेरी तरह हो जिसको मैट वाले मॉइस्चराइजर पसंद आते हैं, डोंट बाय इट। ड्राई स्किन है तो बाय कर सकते हो जैसे कि मैं कर लेती हूँ उसको, ट्राई इट, यू विल लव इट। इसी मॉइस्चराइजर की बात करते हैं जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है एंड मैंने इसको न्यूली ट्राई करना भी स्टार्ट करा है, वो है ये मामाअर्थ का ओप्टन डे क्रीम। इसकी नाइट क्रीम भी आती है, ये है डे क्रीम विद टर्मरिक एंड सैफ्रोन फॉर स्किन ब्राइटनिंग। लाइक अगर आपकी स्किन पे टैन हो जाता है वो इसको रिमूव कर देता है। सो मतलब जो भी आपका टैन है उसको रिमूव करके जो आपका नेचुरल स्किन शेड है उसे करता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप भाई गोरा गोरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है। एंड मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आपको लगता होगा कि मेरा मामाअर्थ के साथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन है, ये वीडियो किसी भी कोलैबोरेशन में नहीं है, पहले मैं आपको बता दूँ। तो मैं इनके प्रोडक्ट ऐसे ही आपको मतलब
कर देती हूँ यार, ये मुझे इन्होंने भेजा है तो मुझे अच्छा लग गया भैया, मैंने तुमको दिखा दिया। जब तक मुझे वो पसंद नहीं है आया प्रोडक्ट तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर वो मुझे ही सूट नहीं करा, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन से बाय करते हो आपको सूट नहीं करा तो मतलब मुझे नहीं पसंद आता कि मेरी रिकमेंडेशन से आप बाय करो कुछ एंड वो आपके बिल्कुल भी कुछ काम ना आए या आपका मतलब वर्थ वाइल ना हो। तो जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये वर्थ वाइल है, मैं उसको ही प्रमोट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो उन्होंने भेजा बस मैंने दिखा दिया तुम्हें, पहले मैं उसको 7 डेज तक ट्राई करती हूँ, मीन्स 1 वीक तक हमें ट्राई करने का टाइम भी मिलता है। सो या अभी इसकी बात करें, टॉपिक पे आ जाते हैं। सो ये पैराबिन फ्री है, सिलिकन फ्री है एंड डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। नॉर्मल स्किन टाइप हो तो भी आप इसको बाय कर सकते हो, ड्राई स्किन टाइप हो तो भी बाय कर सकते हो, ऑयली स्किन टाइप हो तो भी आप इसको बाय कर सकते हो। सारी स्किन टाइप लाइक कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, सभी स्किन टाइप मामाअर्थ के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे इनके प्रोडक्ट, तभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो यप, 599 रुपीज। एंड अगर आपके बजट में आता है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरे भी परचेज कर सकते हो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो यप, ये था थर्ड मेरा रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ रिकमेंडेशन की। फोर्थ रिकमेंडेशन है मेरा ये बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो मॉर्निंग नेक्टो स्किन फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप। एंड ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है एंड मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करा था जब हम किसी होटल में स्टे करा था हमने नैनीताल में आई गेस, तो वहाँ पे ये मतलब वो छोटे वाला सैशे मिलता है ना, तो वो मिला था तो मुझे बहुत पसंद आया था। एंड ये आयुर्वेदिक रेसिपी है 100% बाय, एंड इसका जो MRP प्राइस है वो है 199 रुपीज़, विच इज़ सुपर अफोर्डेबल। एंड इसको आपको यूज़ करने का भी नीचे दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है, पहले क्लिंजिंग करनी है, टोनिंग करनी है। एंड स्किन है किसी भी टाइप की स्किन है, लाइक अगर आपकी जैसे कि ड्राई स्किन है एंड आपकी मम्मा की ऑयली स्किन है एंड आपको एक ही मॉइस्चराइजर बाय करना है जो सबको सूट कर जाए घर में, सो यू कैन बाय इट एंड यू विल लव इट। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, अगर आपको ट्राई करना है गो फॉर इट, यू विल लव इट। करते हैं मेरे प्यारे वाले लास्ट वाले मॉइस्चराइजर के बारे में, पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर नॉन ऑयली फ्रेश फील। एंड अगर मैंने इसको नहीं दिखाया तो मैंने क्या दिखाया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये, लाइक जब ये लॉन्च हुआ था मैंने तभी इसको बाय कर लिया था, बहुत ही बढ़िया वाला है ये। एंड ये फोर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन है, विटामिन ई है इसमें एंड ग्लिसरीन है। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो डोंट बाय इट, इसका एक जेल वाला फॉर्म आता है, यू कैन बाय दैट। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है सो गो फॉर क्रीम वन। सो जो क्रीम वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे ड्राई स्किन के लिए, एंड जो जेल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे ऑयली स्किन के लिए। एंड अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं करा है बड़े वाले टब को, क्योंकि अभी मेरे छोटे वाले टब में थोड़ी सी बची हुई है। एंड मेरी जो फ्रेगनेंस है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, ओ माय गॉड, बटरी बटरी सा कर देता है एंड सुप से करके आपकी स्किन में गायब हो जाता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बात लाइक मैट वाले जो मॉइस्चराइजर होते हैं ना मुझे अच्छे लगते हैं, लाइक जो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करे एंड एट द सेम टाइम ऑयली भी ना करें। मेरी 5 रिकमेंडेशन #top5 अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर्स की। एंड सारे ही मॉइस्चराइजर मैंने खुद यूज़ करे हैं तभी मैंने आपको दिखाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस मैं लाइव मार्केट से ला के एंड आपको दिखा। यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस सीरीज ऑल्सो। एंड आई होप अगर आप इनमें से कोई भी मॉइस्चराइजर परचेज करते हो मेरी रिकमेंडेशन से तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए वो मॉइस्चराइजर, मतलब पसंद तो आए ही आए, क्योंकि ये सारे मॉइस्चराइजर मुझे बहुत अच्छे से सूट करते हैं, तो मुझे लगा कि आपको तो मुझे बताना ही चाहिए, लाइक काइंड ऑफ लक्की चार्म है ये मेरे लिए। सो यस, एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस सीरीज। सो वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जाते जाते कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा सेकेंड जो पार्ट है वो किस चीज़ पर दिखाऊँ मैं #top5 अफोर्डेबल का। वैसे मेरे पास कंसीलर का बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो आई विल ट्राई कि मैं कंसीलर कर दूं, अगर मुझे top 5 अफोर्डेबल कंसीलर मिल गए मेरी वैनिटी में तो मैं कर दूंगी। एंड और आप बता सकते हो मैं किस चीज़ का करूं। सो आई लव यू गाइस सो मच, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।